डॉक्टर प्लीज अबीर की रिपोर्ट जल्दी निकलवाइए। मुझे बताइए कि अबीर ने क्या खाया था। कहीं मिष्टी को पता तो नहीं चल गया कि कॉफी में कुछ था। ना मेरा अबीर महाअभिषेक की आरती कर पाया और ना ही इन लड़कियों ने किसी के सामने कुछ कहा। मीनाक्षी जी, दीपक ने कपूर डाली है। ये काम मीनाक्षी जी ने क्यों नहीं किया? I'm sorry, मिश्री। मेरी वजह से तुम्हारी आरती मिस हो गई ना। Shut up। तुम सचमुच अजीब हो। एक तो तुम्हारी तबीयत खराब है, ऊपर से सॉरी कह रहे हो। हम आरती में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ गरीब लोग हैं, उन्हें तुम्हारा चरणामृत और प्रसाद बांट दो। बताओ, इससे अच्छी पूजा कोई हो सकती थी? नहीं अबीर, इससे अच्छी पूजा कोई हो ही नहीं सकती। क्या हुआ, सर दर्द कर रहा है? नहीं नहीं, मुझे क्या हुआ, I'm fine। Please just tell me, तुमने कल रात को कोल्ड कॉफी के अलावा भी कुछ खाया पिया था? मिस्टी, हम सब ने मिलकर रात में कोल्ड कॉफी तो पी थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं पिया। बातें मत सोच मिष्टी, कुहू अबीर के साथ ऐसा क्यों करेगी? अबीर, अबीर क्या हुआ? कुछ नहीं मिष्टी, थोड़ा सर भारी फील हो रहा है, कहीं बैठ जाता हूँ। कुणाल बेटा, सबको आरती दे दो। कुहू मेरे साथ आओ। तुम यहाँ चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, ओके? मिष्टी जानबूझकर अबीर को पूजा करने से रोक रही थी। माँ, मैं मिष्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं दे सकती। हर साल अबीर ये पूजा करता है, पहली बार उसने ये महाशिवरात्रि की पूजा और अभिषेक नहीं किया, इसलिए मैं वजह जानना चाहती हूँ। बहुत दुखी हो गई हूँ। देखो सच बताओ कि कल रात को मिष्टी ने वाकई कुछ पी लिया था क्या? पंडित जी ने जब कहा कि तुम दोनों ने शराब नहीं पी है ना, पूजा नहीं कर सकते, तो वो दोनों रुक क्यों गए? माँ, ओ प्लीज बताओ बेटा। माँ, मुझे बस इतना पता है कि मिष्टी जो कहती है, वो चाहे कुछ भी कहे, वो करती अपने मन की है। #इंडिपेंडेंट। मुझे नहीं पता कि वो लोग लेट क्यों आए। हो सकता है कि मिष्टी के लिए पूजा इम्पोर्टेंट ना हो, या फिर वो अबीर ब्रो के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हो। पर माँ, जो कुछ भी है, उसने मुझसे कुछ नहीं बताया, इसीलिए माँ, I'm very very sorry। It's okay, मैं तो सिर्फ सच जानना चाहती थी। It's okay। It's not possible। क्या ये सब कोहू ने? वो मेरे बारे में हमेशा ही भला बुरा कहती है, लेकिन फिर वो मंडप, वो हार और अब अबीर। मुझे कोहू से बात करनी होगी। मिष्टी बेटा, तू बड़ी माँ, आप ये पानी प्लीज अबीर को पिला देंगी? मैं अभी आई। अरे तू कहाँ भागी जा रही है, लेकिन तेरी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तबीयत अबीर की खराब है, लेकिन आप ये बात किसी को मत बताना प्लीज। मैं अभी आई। अबीर की तबीयत खराब है? ये बाल गोपाल, तू? मैंने तेरी और माँ की बातें सुन ली, मुझे अब भी प्रेम कर रही है? क्यों तू? अपनी गलती छुपाने के लिए? मुझे पता है कि अबीर की हालत तेरी वजह से हुई है। #बिहेव मिष्टी,
तू मंदिर में सब बातें मत कर। शट अप कुहू। जो तू माँ के साथ कर रही थी वो बिहेव करना था, और तू जो यहाँ के डाकस की तरह मुझे यहाँ पे खींच के लेकर आई वो इनाफ कुहू। तूने मेरी लाइफ में एक नहीं हजार चीजें खराब की है, और अभी कोई चीज नहीं, वो मेरा हस्बैंड है, और मैं तुझे उसके साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी। मैं अभी जाके सबको बता रही हूँ कि ये सब तूने किया है। मिश्की तू पागल है क्या? मैं अभी ब्रो के साथ ऐसा क्यों करूंगी? अगर तुझे पूछना है तो माँ से पूछ। मिश्की कहाँ है अभी? और तुम ठीक हो ना भाई? आपको क्या हुआ है भाई? आर यू ओके? अबीर का चेहरा तो सफेद पड़ गया है। अबीर वो क्या रहा है? तुम ठीक हो? मिश्की कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माँ। और मुझे आपको कुछ बताना है मिश्की। जस्ट वेट मिश्की। तुम और अबीर महादेव की आरती के लिए इतनी देर से क्यों पहुंचे? मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। माँ मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कैसे हुआ। ये सब मिश्की। अबीर! अबीर! मिश्की तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ तो अबीर की तबीयत ठीक नहीं है। माँ डॉक्टर अभी आते होंगे। मैंने कहा था ना कि हम सीधे इसे हॉस्पिटल लेकर चलते, तो हम अबीर को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? माँ मिश्की को लगा कि घर लाना बेटर होगा, इसलिए मैं घर ले आ पाया। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज देखिए ना अबीर को क्या हो गया। प्लीज आप सब लोग बाहर वेट कीजिए, हमें चेकअप करना है। आपको जो करना करिए, पर मेरे भाई ठीक होने चाहिए। नर्स अभी लेकर आइए। नर्स सलाइन की ड्रिप लगा दो, शरीर में जो कुछ भी है जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए। डॉक्टर बताइए ना अभी कब तक जगेगा। सॉरी मिश्की मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। अरे आप नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा, बताइए ना। रिलैक्स। मैं रिलैक्स कैसे करूँ अभी? तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ना प्लीज। अब ये बातें कम करेंगे और सोएंगे ज्यादा। मैं चलता हूँ। जल्दी से ठीक हो जाओ ना अभी। मुझे पता है तुम मुझे कंपटीशन मानते हो। शादी की फर्स्ट नाइट सो गई तो तुम आधा सेकेंड डे और पूरा थर्ड डे सो जाओगे क्या? प्लीज अभी अबीर उठ जाओ प्लीज। अगर तुम नहीं उठे ना तो ये हार मैं तुम्हें पहनाने नहीं दूंगी। फिर करते रहना प्लीज प्लीज, जैसा मैं अभी कर रही हूँ। तुम लास्ट बेंचर हो, रात वाले वॉचमैन हो, तुम गरन हो, नहीं तो फिर अब तक क्यों सो रहे हो? उठ जाओ ना प्लीज। अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं पोइट्री करने लगूंगी। आई एम सॉरी मिश्की, मुझे एक अर्जेंट ऑपरेशन के लिए जाना पड़ रहा है, पर डॉक्टर जोशी को मैंने अबीर की पूरी केस हिस्ट्री समझा दी है, वो बस पहुंचने ही वाला है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। अबीर अब तो उठ जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना तो फिर सुनो, प्यार और नींद पे चलता नहीं है जोर। दो दिन पुरानी वाइफ से कैसे हो गए वो? एक बार तो पूछ लो निश्चित तमें गेम छे। घंटों से सो रहे हो, ये कैसा गेम छे? उठो नहीं तो पड़ेगा एक ठंडा पानी फुल ग्लास। उठो नहीं तो खा जाएगी मुझे मेरी ड्रैगन सांस। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से मेरे दिल को अभी, अब तक मैं स्ट्रॉन्ग बन रही थी तुम्हारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अबीर उठ जाओ ना प्लीज। अबीर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना
कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर नहीं। फिर उठ जाओ ना प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।